नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 18 जन्माद्यः षड्मे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वगृहेतुः व्यापको संज्ञानावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत्य सद्भावान् देहादौ मोहजं त्यजेत्। एक एक श्लोक में 18 जन्माद्यः षड्मे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धः एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् ृष्टेहस्त्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना नित्यो व्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वगृहेतु व्यापको संज्ञानावृतः जन्माद्यः षड्मे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना आत्मा नित्यो व्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः आत्मा परे
इमे ये जो सबके अनुभव के विषय हैं, भावः स्थितियां, दृष्टा देखे जाते हैं, देहस्य देह के, न न आत्मनः आत्मा की, फलाना फलों का, इव जैसे, वृक्षस्य वृक्ष के, कालेना काल के द्वारा, ईश्वर मूर्तिना जो वस्तुओं को परिवर्तित करने में समर्थ है उस काल द्वारा, आत्मा आत्मा जीव या भगवान, दोनों अर्थ होता है आत्मा का, लेकिन हम यहाँ पर जीवात्मा अर्थ लेंगे। आत्मा आत्मा नित्यः अविनाशी है, अव्ययः कभी क्षीण नहीं हो सकता, शुद्धः माइक वस्तु से सम नहीं सकता, एकः इसके टुकड़े नहीं हो सकते, क्षेत्रज्ञः शरीर के का ज्ञान रखता है, क्षेत्र को जानता है, आश्रयः आत्मा ही शरीर का आश्रय है, शरीर टीका है आत्मा के कारण, अविक्रियः विकारहीन है, शांत है, स्वदृग स्वयं प्रकाश है, स्वयं चेतन है, हेतु हो शरीर का कारण भी आत्मा है, व्यापक सब जगह व्यापक है, असंगी अलिप्त है, अनावृत किसी चीज से किसी प्राकृतिक वस्तु से ढक नहीं सकता, सीमा में नहीं आ सकता, एत ही ये द्वादश भी बारह विद्वान जानकार आत्मनो लक्षण ही आत्मा के लक्षणों द्वारा, परे ही जो शरीर के लक्षणों से परे हैं, अहम यह मैं हूँ, मामा यह मेरा है, इति यह असत भावं मिथ्या बुद्धि, देहादौ देह और देह के संबंधियों में मोहजं भ्रम से उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न, त्यजे त्याग देना चाहिए। कल तो कथा हो रही थी, लेकिन आज कथा नहीं है, आज केवल सिद्धांत है। और किसी भी मनुष्य के लिए जो सबसे आवश्यक और फंडामेंटल ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो प्रहलाद महाराज प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा उन्होंने इसके पहले कहा था, ये जो ज्ञान मैं नारद मुनि से सुना हूं, यदि तुम लोग इसमें श्रद्धा करोगे तो तुम लोगों को भी ज्ञान हो जाएगा, भगवान में भक्ति हो जाएगी, स्त्री या बच्चों को भी यह ज्ञान हो जाएगा। वैशारदी भी, वैशारदी बुद्धि हो जाएगी, विशारद से वैशारदी
शब्द बना है। विशारद, शारद का अर्थ होता है दक्ष, एक्सपर्ट, बहुत बड़ा जानकार, और विशारद का अर्थ होता है जो विशेष जानकार है। विशारद एक डिग्री दी जाती है भारत में, विशारद। तो वैशारदी बुद्धि, यह वैशारदी बुद्धि स्त्रियों को और बच्चों को भी हो सकती है यदि वे सीखे। यदि मैं श्रद्धते बचन, यदि मेरे उपदेश में, मेरे वचन में श्रद्धा करोगे, तो बालक होते हुए भी तुम लोगों में वैशारदी बुद्धि आ जाएगी। भगवान ने गीता में एक श्लोक में कहा है, 15वां अध्याय कहने के बाद, कि एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारतम्। हे भारत, इस 15वें अध्याय में जो कुछ भी कहा हूँ, इसको जो व्यक्ति जान लेता है तो वह बुद्धिमान स्यात्, वह वास्तव में बुद्धि से युक्त होता है, और इसको जो नहीं जानता है उसके पास कोई बुद्धि है नहीं। जो लेस इंटेलिजेंट कहकर काम चलाया जाता है, लेकिन वास्तव में बुद्धि नहीं, बुद्धि नाम कोई चीज ही नहीं, कम या ज्यादा का प्रश्न नहीं। यदि कोई भगवान को नहीं जाना, चार चीज 15वें अध्याय में है, इस प्राकृत जगत का स्वरूप, भगवत धाम का स्वरूप, जीव का स्वरूप और भगवान का स्वरूप, ये चार चीजों का वर्णन 15वें अध्याय में किया गया है। तो कोई व्यक्ति जब इसको जानता है तब वो बुद्धिमान स्यात्, बुद्धि वाला होता है, नहीं तो निर्बुद्धि मूढ़ है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं वैशारदी बुद्धि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जीव में, जो भगवान को समझने में समर्थ हो और अपना स्वरूप समझने में समर्थ हो, और यह समझे कि यह जो मन बुद्धि से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है और उसके बाद यह स्थूल जो शरीर है, यह मैं नहीं हूं। तो देह आदि में जो अहंकार हो चुका है कि यह मैं हूं, और देह से संबंधित वस्तुओं में या लोगों में जो मम की भावना है कि मेरे हैं, इसको छेदन करने में, इसको काटने में जो निपुणा बुद्धि है, दक्ष बुद्धि है, उसको वैशारदी बुद्धि कहा जाता है, बहुत समर्थ बुद्धि। तो वह बुद्धि क्या है इसका वर्णन कर रहे हैं। जन्माद्यः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः। जन्म आदि ये 6 विकार, 6 अवस्थाएं देहस्य दृष्टा न आत्मनः, 6 जो स्थितियां हैं ये आत्मा की नहीं है, देह की है। कौन कौन 6? केवल जन्म का नाम रखे हैं, जन्म और आद्या, जन्म आदि जैसे, जिसमें जन्म पहला है, और 5 और बाकी है गिनने के लिए, अपने से समझ लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसका शरीर जन्म लेता है, इस तरह से कहिए, तो शरीर जायते वर्धते तिष्ठति विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 विकार होते, इसको 6 विकार कहते हैं। और यहाँ 6 भाव, ये 6 भाव, भाव का अर्थ होता है स्थिति, जो 6 स्थिति देखी जाती है ये देह की होती है, आत्मा की नहीं। देहस्य न आत्मना, आत्मा की स्थिति नहीं, आत्मा तो बच्चा शरीर में जैसा था वैसा ही बूढ़ा शरीर में रहेगा, चाहे शरीर बहुत मोटा हो जाए तब भी आत्मा उतना ही रहेगा, हाथी के शरीर में चला जाए फिर भी वो उतना ही रहेगा, उसमें विकार नहीं होता है। देह में विकार होता है, देह कभी मोटा होता है और कभी अपक्षी होते, क्षीण भी होता है। कुछ लोग तो आजकल जानबूझ करके वजन कम करा रहे हैं, है ना। आत्मा का वजन कम नहीं होगा और न बढ़ेगा, वो जैसा है वैसा है। तो जन्माद्य 6 इमे भावा, इमे शब्द का अर्थ होता है ये,
ये का अर्थ है, जैसे प्रहलाद महाराज बच्चों को दिखाकर कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों का शरीर बच्चा है, फिर बूढ़े लोगों का शरीर है, युवक का शरीर है, तो 6 विकार होते हैं शरीर में। विकार का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, स्थिति। पहली स्थिति है कि जन्म लेता है शरीर। आत्मा की तरह शरीर बहुत पहले से नहीं रहता है, आत्मा अनादि है और शरीर यहां बनता है। तो ये पहला विकार है जन्म। किस तरह से आत्मा इस देह से भिन्न है इस बात को बता रहे हैं, ये जानना जरूरी है। शुरू शुरू में कोई कहे कि आप क्या हैं, कोई व्यक्ति कह दे मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का क्या अर्थ है, तो उत्तर देना बड़ा कठिन है। लेकिन पहला उत्तर इसका इस तरह से होता है कि मैं देह नहीं हूं। तो देह क्या चीज है, देह की अवस्थाएं देखी जाती है, इसलिए दृष्टा यहां शब्द दिया गया। देह की जो भी दशा है वो देखी जा रही है, तो देह की अवस्था से आत्मा भिन्न है। पहला ज्ञान इस तरह से, जैसे श्रील प्रभुपाद जी प्रथम ज्ञान यही दिए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडीज। हम क्या हैं इसको समझाने के लिए पहले कहा जाएगा हम देह नहीं है, इतना समझ लीजिए। तो उसी को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जन्म होता है देह का, है ना, कि अनादि काल से किसी स्टोर में रखा हुआ देह ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसा तो है नहीं, बनता है देह, जन्म लेने की एक प्रक्रिया है। स्त्री पुरुष के संगम से रज वीर्य का मिश्रण होता है, किस तरह से शरीर बनता है तृतीय स्कंध में भगवान कपिल देव ने बताया है। कलम त्रेक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्ध बुद्धम दशा है न कर कंधु पिश्यंडम व ततः परम। उन्होंने वर्णन किया है कि प्रथम दिन कलल होता है, ये शरीर जो हम लोगों का इस रूप में है, एक दिन दही जैसा था मां के गर्भ में, कललम उसको कहते, एक रात्र पंच रात्र बुद्ध बुद्धम, और 5 रात में यह बुलबुले की तरह गोला होता है, राउंड, और 10 दिन का होता है तो थोड़ा कड़ा होता है। बेर का फल आपने देखा है चिकना है, बेर फल उसके समान चिकना होता है, थोड़ा थोड़ा कड़ा होने लगता है, ऐसे बना है। पेश्यंडम व ततः परम, ततः परम पेशी अंडम वा, और उसके बाद मांस बनना चालू होता है थोड़ा थोड़ा, और अथवा अंडम, वो अंडा का रूप धारण करता है। मनुष्यों के लिए ही नहीं कह रहे हैं, जो अंडा से जन्म लेते हैं उनके विषय में भी कह रहे हैं। तो इस तरह से शरीर का जन्म हुआ है, होता है, बहुत पहले से शरीर नहीं रहता है और अनंत काल तक भी नहीं रहेगा। शरीर बनता है और इसके बाद स्मशानांता अंत भी होता ही है, क्योंकि एक अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एफ से चालू है वो शरीर का संस्कार के, फ्यूनरल है, फ्यूनरल, हाँ, वो शरीर का होता है अंत में, सबका होगा, लेकिन आत्मा नहीं जलेगा और न आत्मा मिट्टी में रहेगा, वो तो निकल कर भाग गए बहुत पहले ही। कुछ लोग समझते हैं कि कब्र में पड़ा रहेगा, वो काहे को कब्र में पड़ने जाए। वो गया दूसरे देह में और पहले से था, ये देह बनने से पहले से था और देह नष्ट होने के बाद भी रहेगा। न हन्यते हन्यमाने शरीर, भगवान कहते न जायते, न जायते म्रियते वा कदाचित, न जायते न म्रियते, कदाचित न जायते कदाचित न म्रियते, ये कभी जन्म नहीं लेता है, कभी मरता नहीं है। तो शरीर जन्म लिया, लेकिन आज किसी से पूछिए कि आपका जन्म कब हुआ, तो आदमी देह के जन्म को ही कहेगा हाँ मेरा जन्मदिन ये है, हमारा बर्थडे है, तुम्हारा कहा है भाई, शरीर का बर्थडे है। और वही शरीर का बर्थडे है कि वो केवल मां के गर्भ से बाहर आया है, बर्थडे तो गर्भाधान के दिन ही मान लिया जाएगा। ये विचार अगर किया जाए
तो वास्तव में कुछ पता नहीं लगता है कि उसका जन्मदिन कब है। माँ के गर्भ से बाहर आना लोग स्वीकार कर लेते हैं ये जन्मदिन है, लेकिन और 9-10 महीने पीछे जाना चाहिए वो उसका जन्मदिन है। किसका जन्मदिन? देह का, आत्मा का नहीं। न जायते, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, उसका क्या जन्मदिन होगा? उसका बर्थडे क्या होगा और न एक्सपायरी डेट और न मरण दिन है। न जायते म्रियते वा कदाचित, कदाचित न म्रियते। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय। न यह आत्मा कभी हुआ है और न तो हो रहा है न होगा। भू शब्द का मतलब जन्म लेने से है, ऐसा नहीं है किसी दिन आत्मा जन्म लिया है। बारंबार अपने काल पद्ध है बुद्धि से हम लोग सोचते हैं कभी न कभी तो चालू हुआ होगा उसके कर्म और वह या। भगवान कहते हैं न जायते मृते व कदाचित नायम भूत्वा, यह कभी हुआ नहीं है और जब हुआ नहीं है और न भविता न ये होगा। ऐसा नहीं है कि बाद में जन्म लेगा या होगा या हो रहा है, बस यह है इतना ही कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कहीं हुआ था, जैसे शरीर जन्म लेता है उसी तरह से कभी बना होगा, धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आया होगा, ऐसा नहीं। और उसी की फिर व्याख्या भगवान करे, स्पष्ट करे, न जायते मृते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह अज है, शाश्वत है, नित्य है, पुराण है, शरीर के मरने के बाद भी यह मरता नहीं है। और वो आत्मा हम हैं, वो आत्मा जो है शरीर का प्रोजेसर है, शरीर भिन्न वस्तु है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। तो जन्माद्या षड्मे भावा पृष्ठा देहस्य नात्मन, तो प्रथम विकार है शरीर का, प्रथम अवस्था है जन्म लेना। जन्म लेने में बहुत दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, धीरे धीरे जन्म होता है। अच्छा, और जन्म का क्या मतलब हुआ? जन्म का अर्थ हुआ कि वह वस्तु उस रूप में पहले नहीं था, जिस दिन चालू हुआ उसको उसका जन्म करते जन्म। और जन्म के बाद जायते वर्धते, शरीर बढ़ता है, ये देखा गया है। किसी भी जीव का शरीर जन्म लेता है छोटी दशा में, बाद में वर्धते, जैसे मनुष्य है या पशु पक्षी का भी या वृक्ष का। वृक्ष पहले छोटा रहता है लेकिन वृक्ष में एक परिवर्तन देखा जाता है, जन्म के बाद वर्धते बढ़ता है। बढ़ना एक अवस्था है, जब बढ़ने के बाद क्या होता है? तिष्ठति। तिष्ठति का अर्थ है कि जन्म लेकर के और मरने से तक एक स्थिति उसकी होती है तिष्ठते, जिसकी जिसका माप काल में किया जाता है, इतना बरस यह शरीर रहा, इतना बरस रहा यह रहा, इसको तिष्ठति कहते हैं। और इस बीच में विपरिणमते, विपरिणमते का अर्थ होता है कुछ यह शरीर पैदा करता है। शरीर बहुत बहुत चीज पैदा करता है, जैसे बच्चा उत्पन्न करना या इसमें जो केस जन्म लेते हैं वो भी विपरिणाम माना गया है। केस को जन्म देता है, या कुछ लोग जो नहाते नहीं है तो जू क्या क्या खटमल आदि पैदा कर देते हैं शरीर से। कितने लोग ब्रह्मचारी होंगे लेकिन कितना संतान पैदा किए होंगे केस में, अपने गंजी में इधर उधर। तो ये पैदा करते हैं। इसके अलावा मल मूत्र वगैरह थूक ये सब कितना रोज पैदा करते रहते हैं, इसको विपरिणमते कहते हैं। शरीर ऐसे नहीं कि बस बन गया चुपचाप पड़ा हुआ है, कुछ न कुछ विकार होता है। जैसे वृक्षों के भी पत्ते गिरते हैं, फल लगते हैं,
फूल लगते हैं, फिर पतझड़ होता है, गिर जाते हैं, कोमल कोमल पत्ते फिर निकलते हैं, इसको विपरिणाम कहते हैं। सबके शरीर में ये सब होते रहते हैं। बच्चा उत्पन्न करना या शौच करना, पेशाब करना या थूकना, केस बढ़ना, नख का बढ़ना कटना, ये सब परिणाम होते रहते हैं, विपरिणाम होते। ये कौन विकार है? जायते वर्धते तिष्ठते विपरिणमते, चौथा है। और अपक्षीयते, अपक्षीयते का अर्थ है कि कोई भी प्राकृत शरीर एक सीमा में बढ़ करके इसके बाद अपक्षीयते, छीण होने लगता है। बड़े बड़े पहलवान भी एक दिन छीण हो जाते हैं, हड्डी भर रह जाती है शरीर की। उनको दूसरे लोग गोद में टांग करके अस्पताल में ले जाते हैं। बड़े बड़े शरीर क्षीण होना ही, शरीर एक दिन क्षीण अवस्था में रहता है, अपक्षीयते। और छठवीं दशा क्या है? विनश्यते, नश्यते, अंत में बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, सब हाथ पैर आदि जल कर राख हो जाते हैं। चाहे कोई जीव चित चित कर खा जाता है, पानी में डालने पर कछुआ वगैरह खा जाते हैं, या जमीन में डालिए तो सब सड़ गल करके कीड़े खत्म शरीर का अस्तित्व, तो इसको नश्यपी कहते हैं, छाव विकार होते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो छाव अवस्थाएं देखी जाती हैं, देहस्य न तो आत्मन, आत्मा की मैं दृष्टांत देते हैं। जैसे फलाना मे वृक्षस्य, वृक्ष बहुत काल तक रहता है, लेकिन देखा गया है कि उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं, और फल के फलों में छह विकार देखे जाते हैं, छह विकार फलों। पेड़ वही रहेगा लेकिन कई साल उसमें फल लगते रहते हैं, फल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, और कुछ दिन रहते हैं, क्षीण होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फलों में विकार देखा जाता है, वृक्ष जैव कहते हैं रहता है, मतलब थोड़े काल के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। वृक्ष भी स्वयं ही नश्वान है, लेकिन वृक्ष को आत्मा के स्थान पर रख करके एक सीमित ज्ञान दिया जा रहा है कि जैसे वृक्ष अस्थाई रहता है कई साल तक, लेकिन उसमें फल लगते हैं, गिरते हैं, क्षीण होते हैं, उसी तरह से आत्मा जैव कहते हैं रहता है, लेकिन इसके कई शरीर लगते हैं। शरीर जो है फल की तरह है, कई शरीर मिलेंगे, छूटेंगे, विकृत होंगे, कटेंगे, इस तरह से आत्मा जीव कहते हुए रहता है और शरीर मिलते रहते हैं और शरीर विकृत होते रहते हैं, परंतु आत्मा विकृत नहीं होता है। तो शरीर में क्यों विकार होता है, शरीर की अवस्थाएं क्यों होती हैं? कालेना, काल के द्वारा, ईश्वर मूर्ति ना, ईश्वरी मूर्ति विकार समर्था जस्य स। काल जो है वो किसी भी देह को, किसी भी वस्तु को विकृत करने में पूर्ण समर्थ है। अपने आप समय बीतने पर शरीर में विकार होने लगता है। कोई भी आदमी अपना केस सिर का पकाने की कोशिश नहीं किया होगा, है ना, लेकिन वो अपने आप पकने लगता है। इसको कहते हैं ईश्वर मूर्ति काल, विकार करने में, उस परिवर्तन करने में वो समर्थ है। बल्कि आदमी चाहता है कि काल हमारे केस को सफेद ना कर पाए, चाहता है ना, कई कई उपाय भी, अमेरिका में तो बहुत बहुत उपाय भी किया गया है, लेकिन वो केवल बाहरी दिखावा मात्र, केस सफेद हो जाते हैं, शरीर क्षीण हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, और अंत में शरीर नष्ट हो जाता है। काल सब करता है, वास्तव में अपने आप, कोई समाज नहीं कर रहा है, सरकार में कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो आदमी को बूढ़ा बनाने का उपाय करे। कोई है? एक डिपार्ट खोला जाता है, भाई बहुत दिन लोग जवान रह गए, अब इनको बूढ़ा बनाना चाहिए, नहीं, काल बना देता है। काल जन्म भी देता है और मारता भी है, बूढ़ा बनाता है, बड़ा बनाता है, जवान बना देता है, सब काल करता है। इसलिए उसको ईश्वर मूर्ति कहा गया है, सबको विकृत करने में समर्थ। तो सबसे पहले यहीं से चालू कर रहे हैं कि ये जो विकार छह परिवर्तन देखे जाते हैं, ये आत्मा के नहीं है, ये हैं शरीर के,
और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे वृक्ष के विकार नहीं होते हैं, फलों में विकार होते हैं। वृक्ष जो कहते हैं रहता है और कई बार उसमें फल फूल आते रहते हैं, उनकी छह दशा देखी जाती है। ये तो देह की अवस्था बताए और ठीक है, आत्मा के पॉजिटिव लक्षणों को बता रहे हैं। आत्मा है क्या, तो आत्मा के गुण सुनने से सब ये अपना ज्ञान है वास्तव में, इसको आत्मज्ञान कहते। वैसे इसका वर्णन जैसे श्रील प्रभुपाद जी किए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, परमात्मा और आत्मा दोनों किया गया, भगवान है लेकिन ज्यादा उपाध्येय है, जो प्रभुपाद जी बाद में प्रकट में लिखते हो, ज्यादा देहात्मा के विषय में लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये बात समझनी है। तो आत्मा नित्य है, पहला गुण है आत्मा का, और शरीर निश्चित अनित्य है। ये निगेटिव भी समझते जाना चाहिए, किस तरह से आत्मा परे है देह से। आत्मा नित्य है, नित्य का क्या अर्थ है, मृत्यु शून्य, आत्मा का कभी अंत नहीं होगा, इसलिए इसको नित्य कहते हैं, ये रहेगा। और शरीर कदापि नहीं रह पाएगा, कुछ दिन रहता भी है तो एक समान नहीं रहता है। कुछ दिन मान लीजिए 70 बरस 80 या 90 बरस जिए भी, तो इसमें कितनी कितनी अवस्था में शरीर पड़ेगा, वो एक दिन मां के गर्भ में, एक दिन स्कूल में, एक दिन मंदिर में, एक दिन कहाँ, एक दिन श्मशान में, अस्पताल में, कितनी कितनी जगह पर कहाँ कहाँ किस तरह से विकृत होगा। तो ये नित्य नहीं शरीर, और क्षीण होना आदि तो दूर की बात है, ये रहेगा ही नहीं देह, और आत्मा नित्य है। ये ऐसा कभी भी नहीं समय आएगा जबकि यह मर जाएगा, जैसा भगवान कहते हैं न जायते मृत्यु व कदाचित, कदाचित शब्द प्रकार कभी भी यह नहीं मरेगा, कदाचित इसको नित्य कहते हैं, ये नित्य है आत्मा। और किसी भी मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह आत्मा मैं हूं, किसी दूसरे का वर्णन नहीं किया जा रहा है, तो हम नित्य रहेंगे, आत्मा नित्य है, ये पहला गुण है। 12 विलक्षणता देह से बताई गई है, उसमें एक है नित्य, दूसरा है अव्यय। अव्यय का अर्थ है आत्मा कभी क्षीण नहीं होता है, व्यय सभी लोग जानते हैं, व्यय का अर्थ खर्च हो जाना, नष्ट हो जाना, कम हो जाना, इसको व्यय कहते हैं। तो आत्मा का जो साइज है, आत्मा की जो स्थिति है, चिन्मय दशा है, वो ज्यों की त्यों रहती है, शरीर में रहते हुए भी वो अव्यय है, वो नहीं कट छट सकता है, न जल सकता, न हवा उसे सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न अस्त्र काट सकता है, इसको अव्यय कहते हैं। और शरीर, शरीर को तो पानी में 1 घंटा रख दीजिए, फूल जाएगा, आग में डालिए जल जाएगा, कितने जले लोगों की चिकित्सा चलती रहती है अस्पताल। आत्मा को आग में पूरा रख दे फिर वो नहीं जलेगा, तो अव्यय है आत्मा। और शुद्ध, शुद्ध का अर्थ है कि आत्मा जो हम लोग भोजपुरी में बहुत सुंदर शब्द देते हैं खाटी, बंगला में भी ये शब्द चलता है, शायद आप लोग नहीं जानते हैं। खाटा खाटी दूध है, ठीक, खाटी मतलब प्योर, इसमें मिलावट हो नहीं सकती है दूसरी चीज की, इसमें कोई प्राकृत द्रव्य का प्रवेश कराना चाहिए संभव नहीं, ये हो नहीं सकता, जो शुद्ध कहते हैं। और देह अशुद्ध है, यह शुद्ध शब्द का क्या अर्थ है, शुद्ध शब्द का अर्थ है पूर्ण ज्ञान घन, ज्ञानमय, नख से सिख तक आत्मा ज्ञानमय है, और शरीर, शरीर अविद्या जल, ये तो अविद्या का जल है, ये तो इसमें तो कोई ज्ञान नहीं, आत्मा इसमें उपस्थित है इसलिए थोड़ी चेतना इसमें देखी जा रही है, नहीं तो ये तो पूरा शरीर अविद्या जल और जड़ इंद्रियता है काल, उसमें जो इंद्रियां हैं वो तो और जड़ है और काल है, वास्तव में क्या है, खराब है, पर जीवे फैले विषय सागर है,
जीव को ये 200 इंद्रिया मिलकर विषय सागर में फेंक दी, रूप रस गंध आदि में ये फेंक देते मिल करके, इंद्रिय ग्राम इंद्रिय समूह, और उसमें भी इन इंद्रियों का लीडर है जीव। तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मत, इन इंद्रियों में जो जिह्वा है उसको तो और प्रचंड है, इसकी जो खाने की लोभमय प्रवृत्ति है यही तो सारे इंद्रियों को बल देती है। यदि आदमी खाए ना तो सारे इंद्रियां सुख जाएंगे, तो ये तो लोभमय इसकी प्रवृत्ति है और यही समस्त इंद्रियों को शक्ति देती है जीव। तुम लोग भी सांसारिक विषय में जाओ जाओ, धावित हो जाओ, मैं सबको रस भेज रही हूं। जिह्वा यहां से इंस्पेक्शन करके टेस्ट करके और सबको देती रहती, पेट में भरती रहती। और बहुत से लोग वास्तव में पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, वो इतने जीव चटोर होते हैं कि जीव को प्लीज करने के लिए खाते हैं। सत्य बात है, संसार में जितने लोग खा रहे हैं शायद कोई कोई आदमी केवल शरीर चलाने के लिए खा रहा है, नहीं तो जीभ के लिए खाता है, अच्छा है उदर बेग। जैसे रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, जिह्वा बेगम उदरोपस्थ बेग मनसा क्रोध। जिह्वा बेग अलग चीज है और उदर बेग अलग चीज है। उदर बेग का क्या मतलब है, कुछ लोग जब तक चाण कर खाएंगे नहीं तब तक उनको तृप्ति नहीं होती है, उनकी आते फूल जानी चाहिए, खाली रहने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इसको उदर बेग कहते हैं, ज्यादा खाने की जो आदत होती है इसको उदर बेग कहते, भले प्रसाद के नाम पर कोई खाए ले उदर बेग। एक बार एक व्यक्ति से हमने कहा कि इस तरह से ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो कहा प्रसाद है प्रसाद है, तुम्हें तो और लोगों के लिए भी तो प्रसाद है ना, बांटो। प्रसाद बांटने के लिए कहा गया। थोड़ा मान लीजिए हम खा रहे हैं 4 चपाती या 10 चपाती जो भी है, तो उदर बेग के कारण खा रहे हैं, तो अगर हम आधा छोड़ते हैं तो दूसरे को भी प्रसाद मिलेगा। जो प्रसाद समझ करके कोई खाएगा तब तो दूसरों को देना चाहेगा जरूर, और नहीं उदर बेग के कारण खा रहा है तब नहीं देना चाहेगा। तो उदर बेग, उदर बेग मतलब खूब भर पेट खाना। जो शास्त्र बताता है कि किसी भी मनुष्य को जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, सिद्धि चाहता है भक्ति में, तो उसको चाहिए कि वो पेट के 50% भाग को अन्न से भरे, प्रसाद से 50% भाग मतलब आधा, और चौथाई भाग जल से भरे, और चौथा भाग 25% छोड़ दे जिसमें हवा का संचरण होता रहे। लेकिन खाने वाले जब यहां कंठ तक वही खा जाने ना, तो पानी और हवा के लिए जगह नहीं रहे, तो अस्पताल के अलावा और कोई गति नहीं रहे। भोजन से बहुत बीमारियां होती हैं ज्यादा खाने से। ये लिखा गया है कि किस तरह से योगी को भगवत भक्त को रहना चाहिए खाना चाहिए। तो ये बात मैं कैसे कहने लगा, आत्मा की बात कर रहा था ना, इंद्रियों का वर्णन कर रहा था मैं कि इंद्रियों में जिह्वा बहुत बलवान है और समस्त इंद्रियों को यही शक्ति देती है, और इसकी जो वासना है कभी जाती नहीं है। आपने देखा होगा आंख से आप कुछ भी टेलीविजन आदि देखिए लेकिन बाद में मन नहीं कर पाएंगे, सो जाए। लेकिन जिह्वा में जो खाने की प्रवृत्ति है वो एक चीज से पेट भरा भी हुआ है तो कुछ चटनी कुछ अचार कुछ पापड़ कुछ ये कुछ वो कुछ लस्सी ये नाना प्रकार की चीजें मांगती है, खाने की इसकी तृष्णा शांत नहीं होती। सबसे बलवान इंद्रिय वास्तव है तार मध्य जिह्वा अति लोहमय सुदूरमति, ताकि जेता कठिन संसार है, इस संसार में इसको जेता जितना बड़ा कठिन है। जीतने का उपाय क्या है, कृष्ण बड़ दयामय करी बारे जिह्वा जाए सो प्रसाद अन्न दिला भाई। हे भाई इस जिह्वा को बस में करने के लिए भगवान ने अपना प्रसाद दिया है,
उस प्रसाद को खाओ और खूब जप करो, बस यही धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शुद्ध की व्याख्या कर रहा था ना, हाँ, तो शुद्ध का अर्थ बता रहा था कि यह आत्मा पूर्ण ज्ञानमय है, चेतन है, पूर्ण चेतन, और शरीर जो है पूर्ण अचित है, जड़ पदार्थ, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी अविद्या जाल कह रहे हैं। जीव क्यों भगवान को भूला है, क्यों इतना, इसलिए कि जड़ शरीर में आबद्ध है और ऐसी इंद्रियां हैं जो विषयों के तरफ धावित हो रही है, भगवान को नहीं समझ रहे। लेकिन अपने स्वरूप में जो आत्मा है वह पूर्ण चेतन है, पूर्ण ज्ञानमय है, इसको शुद्ध कहते हैं, और उसमें प्राकृत द्रव्य नहीं मिल सकता है, बल्कि वह प्राकृत द्रव्य को चेतन बना देता है। ऐसा देखिए, उपनिषद कहता है कि एक केश के यदि 100 टुकड़े किए जाएं, केश के अग्र भाग को, और फिर उसके 100 भाग किए, तो उतना छोटा जीव का स्वरूप है, लेकिन उतना छोटा जीव इस सारे शरीर को चेतना दे रहा है, इसको नचा रहा है, खेल कूद करा रहा है, कीर्तन में नचाता है। वो छोटा सा पार्टी के जीव कितना सूक्ष्म होगा, कोई हम लोग कल्पना से बाहर है, किसी केश के अग्र भाग को 100 टुकड़ा करना असंभव है, कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जो कर दे, उसको 2 टुकड़ा ही करना कठिन होगा, तो एक बारीक एक टुकड़ा हो जाए यही काफी है, फिर उसके 100 टुकड़े किए जाए और उसमें से फिर एक टुकड़े को लेकर 100 टुकड़ा, असंभव बात। उतना छोटा जीव है और इतने भारी भरकम शरीर को नचा रहा है, तो वह अपने आप में कितना चेतन है, जब जड़ शरीर को भी चेतना दे रहा है। यह शरीर जड़ है, अचित कहते हैं इसको, और आत्मा चित वस्तु है, यह एक गुण है। और एक का अर्थ है ये हमेशा एक रहता, अद्वितीय, ऐसा नहीं है कि इसके 2 टुकड़े किए जा सकते। शरीर के तो हजारों लाखों टुकड़े किए जाते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी की जाती है, काटा जाता है, छांटा जाता है, आत्मा को थोड़े कोई काट सकता है, बस एक है। भगवान ने कहा अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अकलिद्यो अयम, अस्वस्थ्य वचन। भगवान का अच्छेद्य है, इसको काटा नहीं जा सकता, अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य, इसको क्लेद, इसको गीला नहीं किया जा सकता पानी द्वारा, अस्वस्थ्य, हवा के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता। जबकि एक बार पहले कह चुके कि नैनम छिंदंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदंति आपो, न शोषयति मारुतः, लेकिन फिर भी भगवान पुनः कह रहे हैं अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अक्लिद्यो अस्वस्थ्य ये वचन। इसका अर्थ है कि भगवान चाहते हैं कि मनुष्य इस ज्ञान को ले ले, वर्म और जैसे लगता है कि वो पुनरावृत्ति कर रहे हैं, समझाना बहुत जरूरी है। यह ज्ञान है, ये भागवत सप्ताह में ये नहीं कि केवल हम ये स्टोरी सुन लें बस हो गया। भागवत में बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियां हैं, प्रवचन हैं, वो मुख्य चीज है। जैसे भगवान की लीला कथा है उसका और इन उपदेशों का समान महत्व है, लेकिन प्रायः समाज में लोग कहानियां सुनना चाहते हैं, कहानी सुनना चाहते हैं और बीच बीच में कुछ गीत चाहते हैं, कि आज के मनुष्यों में ये प्रवृत्ति हो गई। एक बार बातचीत हो रही थी इस विषय पर वृंदावन में एक महात्मा से, तो वो कहे कि यदि कदाचित परीक्षित का जन्म इस समय हो और सुखदेव जी कथा कहने के लिए आएंगे तो परीक्षित कह देंगे कि हारमोनियम नहीं बजाएंगे तो हम कथा नहीं सुनेंगे, हम कुछ हारमोनियम बजाएंगे, तबला से कथा कहोगे तब तो सुनूंगा, नहीं तो नहीं। हो सकता है परीक्षित महाराज इस समय ऐसी दशा, वो कह रहे थे, बताइए। गाने का एक अपना समय होता है, गाया जाता है, भगवान की लीलाएं गाई जाती हैं, श्लोक भी गाए जाते हैं,
लेकिन जहां फिलॉसफी समझाना हो वहां क्या गीत की जरूरत है? कोई प्रोफेसर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है और बीच में लगे हारमोनियम बजाने गाने, ये आपको हम समझा रहे हैं। जहां गाया जाता है वहां गाया जाता है, फिलोसफिकल फैक्ट को बताने के लिए गाया नहीं जाता। उतने ऋषि मुनि बैठे थे और सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात बोलते रह गए और लोग सुन रहे थे। आजकल क्या कहा जाए, इतना वास्तव में मनुष्यों का स्टैंडर्ड गिर गया है कि वे फिलॉसफी सुनना नहीं चाहते, कुछ इंटरटेनमेंट वो केवल मनोरंजन चाहते, हमारे मन थोड़ा खुश हो जाए, ये हो जाए। हमारे यहाँ देहात में लोग शाम को जब सोने जाते हैं, अब तो कम हो गया, पहले ऐसा था तो किसी कथा कहने वाले बूढ़े आदमी से लोग कहते थे बच्चे, बाबा कुछ कथा कहो नींद नहीं आ रही है, कुछ कथा कहो नींद आ रही है। तो निद्रा लाने के लिए वो कथा कहते, नींद आ जाए। और वो आदमी कहता तो पहले हकारा भरोगे, हंकारी भरोगे तब कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा। तो सोते थे दोनों, सो रहे हैं और कुछ सुन रहा ना, हाँ, और तो सो जाता था, जब सो जाता था तो वो भी बंद कर देता था, अब सफलता हो गई, जो कथा का लक्ष्य था वो मिल गया। तो वास्तव में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड इस तरह से गिरता जा रहा है। सुला रहे, एक बार मैं कथा कह रहा था, एक व्यक्ति सो रहे थे, लगभग 50-55 वर्ष के होंगे, मैं कहा कि आप सो रहे हैं, तो वो कहे कि महाराज कथा में 900 में तो और क्या करें, सब जगह तो हाय हाय मचा हुआ है, कम से कम यहाँ आराम करने दीजिए, तो यहाँ भी आप कहते हैं कि मत सो, यहां से शांति मिल रही है सुख, और जगह तो नींद हैरान हो जाती है, वही यहां कम से कम सोने दीजिए, कथा में नहीं सोएंगे तो और कहां सोएंगे, तरह से शांति की जगह। लेकिन इस प्रकार की कथा सोने के लिए कथा हो, मनोरंजन के लिए कथा हो, बहुत स्टैंडर्ड मनुष्यों का गिर गया। हम लोग तो 2 घंटा बैठते हैं फिर 2 घंटा, लेकिन पहले के लोग बैठते थे तो बैठ की लगे रहते थे। जीवन का जो परम लाभ है वो श्रवण है, वास्तव में सुनने से ही व्यक्ति महान बना है आज तक। तो ये भी बात मैं कैसे कहूंगा, आत्मा का वर्णन कर रहा हूं, इधर आ गया, एक का वर्णन चल रहा है, हमें खंडित नहीं किया जा सकता, ये कह रहा था। जैसे हाँ ये बात बता रहा था, भगवान एक ही बात की बहुत आवृत्ति कर रहे हैं, ये जीवन का आवश्यक पॉइंट है, जो एसेंशियल पॉइंट है वास्तव में, उसकी बारंबार आवृत्ति होनी चाहिए। सबसे ज्यादा आवृत्ति इस जीवन किसकी होनी चाहिए, महामंत्र की। जितनी आवृत्ति हो जाए उतना ही अच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसको पुनरुक्ति नहीं कहते, पुनरुक्ति एक दोष है साहित्य में, किसी बात को एक बार कह दिया तो दोबारा कहना दोष माना गया। लेकिन वैष्णव ग्रंथों में श्रुति स्मृति में एक ही बात की बारंबार आवृत्ति की गई। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में एक बात की दर्जनों बार, सैकड़ों बार आवृत्ति की गई है, क्योंकि इस बार मान लीजिए एक बार पॉइंट टच नहीं किया हृदय को, फिर दूसरे उपाख्यान में दूसरे संवाद में हो सकता है हमारे हृदय में धस जाए, ऐसा होता है। प्रहलाद महाराज का और असुर बालकों का संवाद चल रहा है, फिर देवताओं का और भगवान नृसिंहदेव का चलेगा, वो लोग स्तुति करेंगे, फिर प्रहलाद महाराज स्तुति करेंगे भगवान की, और यही सब बातें उसमें भी कही है। बहुत बातों की आवृत्ति है, लेकिन श्रीमद् भागवत में वो आवृत्ति जैसा नहीं लगता है, नित्य नवीन लगता है। जो आवश्यक चीज हो हमारे लिए बहुत दुर्लभ है और
बहुत उपाध्याय है, उस बात की आवृत्ति होनी ही चाहिए बारंबार। आवृत्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखा गया, अब जैसे मान लीजिए आप कथा सुन रहे हैं तो लगभग कुछ पॉइंट हैं जो रोज आते हैं, प्रतिदिन कथा में आते हैं, और कथा में वो तो आते ही है, फिर संडे को क्लास होता है या फिर और समय में कथाएं चलती रहती हैं, रोज रोज भागवत की कथाएं चलती हैं इस्कॉन में। ये क्यों किया जाता है? बारंबार आवृत्ति की जरूरत है, असर हो जाता है। हमारे यहाँ एक कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से आवृत्ति का असर होता है, रिपीट करने का असर होता है। एक बार तीन चीटर जिनको वंचक के ठग कहते हैं, उन लोगों ने प्लान किया। एक पंडित जी थे और वे दशहरा के दिन, दुर्गा पूजा के दिन एक बकरा खरीद कर ला रहे थे, काली जी को अर्पित करके खाने के लिए वो ला रहे थे। बहुत मेहनत करके खरीदे, कोई धनी ब्राह्मण नहीं थे, गरीब ब्राह्मण थे, काली जी के भक्त थे, ला रहे थे। तो तीन ठगों ने, वंचकों ने विचार किया कैसे इस पंडित से बकरा ले लेना चाहिए। तो वे लोग एक किलोमीटर के अंदर ही तीन जगह पर खड़े हो गए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और पंडित जी उधर से उस बकरे को कंधे पर टांग कर ला रहे थे। तो पहला ठग देखा तो ठठाकर हंसने लगा, ठठाकर हंसने लगा। तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा, उन्होंने कहा, बेटा क्यों हंस रहे हो? उसने कहा कि पंडित जी, पहले तो प्रणाम किए पंडित जी को, फिर कहा, पंडित जी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा, आप इतना पवित्र ब्राह्मण, आप तीन काल नहाते हैं, त्रिकाल स्नान करते हैं और गायत्री करते हैं, क्या क्या करते हैं, और आप ये कुत्ता टांग कर क्यों ले जा रहे हैं, आज आपको क्या हो गया? पंडित जी ने कहा, चुप रहो, ऐसी बात मत करो, कुत्ता है? कुत्ता नहीं है, मैं खूब देख करके खरीदा हूं, ये बकरा है। तो उसको वो छू कर देखने लगे, ऐसे नहीं, पूंछ बकरे की है, खुर बकरे की है, टांग बकरे की है, कान बकरे की, कैसे कुत्ता कहते है? तो ठग कहता, हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुत्ता है, अब आप जो भी समझें ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो अच्छा लगे पंडित जी को, एक बार तो थोड़ा सा सच मन में हुआ कि कुत्ता है क्या, लेकिन छू करके देखे तो कहे कि नहीं बकरा है, चांद। तो दूसरी जगह आए तो वो भी ठग उसी तरह से हंसा, जो तीसरा चोर था वंचक था वो भी उसी तरह से हंसने लगा। तो अब पंडित जी की शंका कुछ दृढ़ हो गई, पूछा, क्यों हंस रहे हो? पंडित जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतने पवित्र ब्राह्मण, आप ये कुत्ता टांग कर क्यों ले जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं कुत्ता नहीं है। तो वो उतार करके देखे, इस बार संशय कुछ ज्यादा हुआ है, तो उतार करके देखे, कान टांग पूंछ जो थी सब, कह नहीं ये तो बकरा है। तो जो बकरा है तो आप उतार करके वो देख रहे हैं, और इनसे कहा गया, इसका मतलब संशय हो रहा है। संशय क्यों हुआ? वो पहला ठग जो था वो कह दिया कुछ बात का असर हो गया, दूसरा कहा तो नीचे उतार कर देखने लगे। तो शंका कुछ मन में हो गई, तब तक तीसरे के पास गए तो वो भी वैसे ही हाथ नहीं लगा। अरे पंडित जी, आज क्या हो गया आपको? आप गांव में जा रहे हैं, लोग देख करके क्या कहेंगे, इतना पवित्र ब्राह्मण और कुत्ता टांग करके ले जा रहे हैं, आपको क्या हो गया है? अब तो पंडित जी की शंका बिल्कुल दृढ़मूल हो गई, और बकरे को फेंक करके गए नदी में स्नान करके घर। क्या करें, तीन बार बात सुनने का असर हो गया, वो तो था बकरा। कुत्ता नहीं था, लेकिन इस तरह से सजा करके अब तीन बार कहा गया वो असर हो गया। तो बताइए, सत्य बात को बिल्कुल, जो शास्त्र द्वारा सत्य है, लोक द्वारा सत्य है, सत्य द्वारा सत्य है, उस बात की आवृत्ति होगी तो क्यों नहीं असर हो जाएगा हृदय पर?
इसलिए बारंबार आवृत्ति की जाती है। तो आत्मा के पॉजिटिव गुणों का वर्णन किया जा रहा है, आत्मा है क्या, उस विषय में बता रहे हैं। यह एक है, काटा छाटा नहीं जा सकता। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र कहते हैं देह को। इदम शरीरम कौन पेय क्षेत्रम इत्य विधीयते। ये कुंती नंदन, यह जो शरीर है यही क्षेत्र कहा जाता है। दो तरह का क्षेत्र है, सूक्ष्म क्षेत्र, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और क्षेत्रज्ञ भी दो प्रकार के हैं। एक क्षेत्रज्ञ है जो केवल एक देह की बातें जानता है, और एक क्षेत्रज्ञ है जो एक ही है लेकिन सभी क्षेत्रों में है, सभी शरीरों में है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्र सुधारश। मैं एक ऐसा क्षेत्रज्ञ हूं भारत जो सर्व क्षेत्रेषु सभी शरीरों में हूं। और अलग अलग शरीर में जीवात्मा है जिसको देहात्मा भी कहते हैं, और भगवान विश्वात्मा है, वो विश्व के आत्मा है, जानकार है सब कुछ। हम तो अपने शरीर को जानते हैं, वो भी पूरे पूरे नहीं जानते हैं। किसी से पूछ दिया जाए, बड़े बड़े डॉक्टर से भी, कि आज जो खाए आप उसमें से कितना रक्त बना, कितना मल और कितना मूत्र बना, आप जरा बताइए तौल करके, या इसे बताइए कि उसमें से कितना अंश खून बना, क्या हुआ, या इतना निकट केस है सिर में, किसी से पूछा जाए आपके सिर में कितने केस है। अपने शरीर की बात बताइए, दूसरों को छोड़ दीजिए, क्या कोई जानता है? नहीं जानता है। एक शरीर की भी बात नहीं जानता है पूरा पूरा। भगवान समस्त शरीरों को जानते हैं और कंप्लीट जानते हैं। भूत वेदा हम समतीतानी वर्तमानानी च अर्जुन भविष्यानी च भूतानी माम तु वेदन कश्चन। तो आत्मा इस शरीर के विषय में ज्ञान रखता है, लेकिन शरीर आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानता है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भागवत में दिया गया है, चक्षुराकृतय जथा। जैसे इस पुस्तक को मेरी आंख देख रही है, लेकिन यह पुस्तक मेरे आंख को नहीं देख सकती है ना। यह कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि पुस्तक हमारे आंख को देख, यह टेबल हमारे आंख को देख, आंख देख रही। इसी तरह से जीवात्मा जो है शरीर की गतिविधि को जान रहा है। जब शरीर में ताप बढ़ जाता है तो आत्मा फील करता है कि गर्म है, और कुछ इंजेक्शन या दवा लेना चाहता है भी है। वह रोग शरीर में फील कर रहा है आत्मा, इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जिस क्षेत्र में है, जिस देह में है, उसमें क्या बोया है वही काटेगा, खाएगा, पिएगा, इसको ही जानता है। जैसे किसान खेत में क्या उपजा है, क्या उपजाना है, क्या लगा है, उसको जानता है। तो शरीर की अवस्थाओं को आत्मा जानता है, यहां तक बुद्धि की भी अवस्थाओं को जानता है। तो इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो यह ज्ञाता है, जानकार है। शरीर तो जड़ है, यह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। तो आश्रय, आश्रय का अर्थ है आत्मा के कारण यह शरीर टिका है। शरीर के कारण आत्मा नहीं टिका है, ये विचारणीय विषय है। आश्रय, शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो किसके कारण शरीर टिका है? जिस दिन इस देह से आत्मा निकल करके चला जाएगा, यह देह कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा बिना देह के भी रहेगा, आत्मा को देह की आवश्यकता नहीं है, वह देह पर आश्रित नहीं। ऐसा नहीं कि देह काट दिया गया, जला दिया गया तो आत्मा भी परेशान हो गया, ऐसा नहीं। आत्मा के कारण देह टिका हुआ है, देह चेतन है, जो कुछ भी है। तो देह का आश्रय है आत्मा, देह आश्रय नहीं है आत्मा का, इस तरह से वो विलक्षण है। अविक्रिय, यहां अविक्रिय का अर्थ थोड़ा सा मिलता जुलता है अव्यय से। अविक्रिय, अविक्रिय का यहां अर्थ मानसिक तौर से हुआ कि आत्मा वास्तव में जैसा है वैसा ही रहता है, इसमें कभी अशांति नहीं हो सकती है। अशांति जो होती है, भोगों की लालसा होती है, क्रोध होता है, लोभ होता है, उसको भी षड्विकार कहते हैं।
काम क्रोध लोह मोह मद अहंकार इसको भी सर्व विकार कहते हैं। तो वह मन के साफ होने से आत्मन होते हैं, तो आत्मन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह सब देखा गया है कि आत्मा शरीर को छोड़ने में पहले तो नहीं चाहता है छोड़ना, लेकिन छोड़ता है तो छोड़कर चला ही जाता है, फिर उस शरीर की याद भी नहीं करता है। तो यह अविक्रिय है। और स्वदृक का अर्थ है इसकी जो चेतना है, इसकी अपनी चेतना है, इसका ज्ञान अपना ज्ञान है। और शरीर में जो चेतना है यह आत्मा की चेतना है, शरीर स्वदृक नहीं है। शरीर में भी इस समय चेतना है, देखने की सुनने की शक्ति आ गई है, किसके कारण? आत्मा की उपस्थिति के कारण। जैसे मैं एक दिन बैठा था, आ रहा था नैशभ भाई के साथ कार में, तो अभी वो चाबी नहीं लगाए थे स्टेयरिंग में, तो मैं शीशा का दबाया नीचे वर्ग, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा था उसको डाउन करना, तो मैं कुछ नहीं जानता ये क्या हो गया, ये खराब हो गया है क्या। तब तक वो देख लिए, वो देखे तो वो चाबी ऑन किया, उसके बाद दबाया तो खरखर नीचे आ गया। तो शरीर में जो चेतना है वह आत्मा के कारण, आत्मा उपस्थित है, इसीलिए हाथ हिल रहा है, ये पैर चल रहा है, जिह्वा बोल रही है, आंख देख रहा है। तो जैसे मान लीजिए पूरा बैटरी से कनेक्शन हटा दिया जाए कार का, तो शायद कोई अंग काम नहीं करेंगे जो कुछ भी हो, आप लोग तो जानते होंगे, हमें तो उसकी टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि कोई पावर है जो शीशा को, चाहे किसी को भी, ब्रेक लाइट को या किसी को, सबको कंट्रोल कर रहा है। और वो हटा दिया जाए इसके बाद बस चारों चक्का जाम है, कार खड़ा रहे। तो इस प्रकार से स्वदृक का अर्थ होता है आत्मा अपनी चेतना लिए हुए है, यह दूसरे की चेतना से चेतनीभूत नहीं हो रहा है, और शरीर जो है वो आत्मा की चेतना से चेतनीभूत हो रहा है। हेतु का अर्थ है शरीर बनने में कारण कौन है? आत्मा। आत्मा के बनने में शरीर कारण नहीं हो सकता है। देखा गया है कि जब तक आत्मा शरीर में रहता है तभी तक शरीर बढ़ता है। एक छोटा बच्चा हो और आत्मा उसके शरीर से निकल जाए तो फिर वो शरीर बढ़ेगा नहीं, वहीं संटेड हो जाए, जहां तक बढ़ा है वहीं तक खत्म हो जाएगा। और शुरू से ही यदि आत्मा उपस्थित न रहे शरीर में तो शरीर बढ़ नहीं सकता है, काम नहीं कर सकता। इसीलिए हेतु कहा गया है, शरीर जो इस तरह से बना है, इसमें हाथ पैर काम कर रहे हैं, शरीर नामक चीज ही आत्मा की उपस्थिति से बना है, लेकिन आत्मा का हेतु शरीर नहीं है, शरीर का हेतु आत्मा है। व्यापक और आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो सब जगह व्याप्त है, शरीर की दृष्टि से करें नख तक, यहां हमारे नख के पास उंगली में कोई कुछ छूए तो पता लग जाएगा। किसको पता लगता है? शरीर को पता नहीं लगता, आत्मा को पता लगता है, क्योंकि वो व्यापक है अपनी शक्ति द्वारा। जैसे सूर्य एक जगह है लेकिन अपनी किरणों से वो व्यापक है, वैसे आत्मा एक जगह है लेकिन अपनी चेतना से वो व्यापक है, सब जगह का पता है उसे। पीठ में यदि कुछ मच्छर काटते हैं तो आदमी खुजलाने लगते हैं, आत्मा को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जो व्यापक कहते हैं। और व्यापक का एक अभी अर्थ है कि इतना सूक्ष्म है कि कहीं भी ये जा सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आत्मा कहीं जा सकता है। कई बार लोगों ने परीक्षण किया कि बहुत मोटा मोटा सेल बना करके, दीवार बना करके, और किसी आदमी को उसमें रखा या किसी जीव को एक्सपेरिमेंट के लिए कि आत्मा कहाँ से निकल रहा है, तो आत्मा निकल जाता है, न तो कोई दरार होती है न छेद होता है, निकल जाता है, इतना व्यापक। और कहीं आप जाइए तो लिखा रहता है नो एडमिशन, उस शरीर के लिए आत्मा तो ऐसे ही घुस जाएगा, आत्मा क्या मन घुस जाएगा उसमें मन द्वारा आदमी भीतर जा सकता है, मन द्वारा कहीं भी जा सकता है, ऐसे
शरीर से प्राइम मिनिस्टर बनना कठिन है, राष्ट्रपति बनना कठिन है, लेकिन सपना में कई लोग बन जाते हैं। तो मन सपना देखता है और मन से सुप्रियर आत्मा है, और तो सब व्यापक कहीं भी जा सकता है, कहीं प्रवेश कर सकता है, उसके लिए नो एडमिशन का सवाल नहीं। उसको व्यापक कहते हैं, पर शरीर व्यापक नहीं। असंगी, असंगी का अर्थ अलिप्त, अलिप्त है, इसमें कुछ किसी चीज का लेप नहीं किया जा सकता है। और दूसरा एक असंगी का अर्थ है कि आत्मा अकेले रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक आत्मा के साथ और आत्मा साथ साथ रहे, आज यहां है कल चला गया शरीर छोड़कर के कहा। तो परिवार में कितने लोग रहते हैं, जब तक जीवित है तब तक कहता रहता है मेरा मेरा मैं, लेकिन सारे परिवार के लोग रोते रहते हैं, छोड़कर चल देते हैं, इसका कोई साथी नहीं है। ये असंगी है आत्मा। और अनावृत, अनावृत का अर्थ यह है कि इसकी सीमा नहीं बनाई जा सकती। आप ऐसा मत समझिए कि शरीर इसको ढका हुआ है, शरीर इसको नहीं ढका है। ऐसे कहने के लिए ये केश के अग्रभाग से भी ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा के चारों तरफ आवरण नहीं डाला जा सकता। आत्मा ऐसा लग रहा है कि हृदय में है ना, लेकिन यह हृदय के बाहर भी है, कहीं भी है। जैसे मन, मान लीजिए हम कार में बैठे हैं तो देखने में आ सकता है कि हमारा मन, हमारा शरीर सब कार के अंदर है, लेकिन कार में बैठा हुआ आदमी पूरी दुनिया को देखता है, और यह अभी देखता है कि कार चल रही है। इसका अर्थ है कि उसका मन कार में बंद नहीं है, मन में कार है, और एक ही कार नहीं, कई कार मन में चल रही है। यह बिल्कुल साइकोलॉजिकली समझा जा सकता है। हम कार के भीतर चल रहे हैं, लेकिन चलते समय हमारा मन निवार के सभी कार को देख रहा है, मनहट्टन के ऊंचे ऊंचे भवन को भी देख रहा है, सब उसके अंदर अट गए हैं। ये जितनी देखा दुनिया अट सकती है, तो जिसके भीतर सारा अटा हुआ है उस पर आवरण कहां से लगेगा। आत्मा का यह स्वरूप है, उस पर आवरण नहीं डाला जा सकता, वो सब देश में सब काल में व्याप्त है। जब मन इतना विशाल है कि उसके भीतर सारा जगत अट सकता है, तो आत्मा के भीतर क्यों नहीं अट सकता। भगवान ने गीता में कहा है इंद्रियाणि पराण्याहु, इस शरीर में जो इंद्रियां हैं वो अन्य अंगों से श्रेष्ठ। इंद्रियभ्य परम मन, इंद्रियों से परे मन है सुप्रियर, और मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से भी परे आत्मा। तो आत्मा तो इस तरह से व्यापक हुआ, वो अनावृत है, उसको किसी देश की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो एतैर द्वादश भीर विद्वान आत्मनो लक्षण ही पर है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हो तो देख सकता है कि ये जो द्वादश लक्षण है, 12 लक्षण है, ये आत्मा के हैं और शरीर से भिन्न है। तो इस कारण से देहादौ, देह आदि में, देह में और देह के संबंधियों में अज्ञान के कारण जो अहम मम इति मोहजम असद भाव हो गया है, इसको त्यजे, छोड़ देना चाहिए। अपनी स्थिति समझ कर कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के 12 लक्षण बताए गए, तो इसके द्वारा जो शरीर आदि में अहम मम बुद्धि हो गई है, इसको त्यजे, छोड़ देना चाहिए, त्यागना चाहिए। इस तरह से यह एक साइंस है वास्तव में, जो अहम मम भाव है इसको असद भाव कह रहे हैं, मिथ्या भाव है। वास्तव जीव शरीर नहीं है और न तो शरीर के संबंधी अपने हैं न वस्तु में, लेकिन फिर भी प्रत्येक के मन में यह बात बैठी हुई है कि मैं हूं और मेरा है ना, ये बैठी हुई है। और इसको असद भाव, बिल्कुल बेकार भाव कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, व्यर्थ है। आत्मा के लक्षणों को समझ करके और देह आदि में जो अहम अमेति हो गया है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, कोई मान लीजिए असुर बालक कहेंगे आप तो ठीक है, बहुत ऊंची बात बता रहे हैं, लेकिन देह है और आत्मा के भाव को तो आसानी से समझा जा सकता है, कोई चेतन तत्व है और जड़ शरीर,
कैसे हम समझें इसको, पूरा पूरा नहीं समझ में आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। स्वर्णम जथा ग्रावसुहेम कार क्षेत्रेषु योगेषु तदभि ज्ञापनीयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्म योगै अध्यात्म ब्रह्म कर्तुं लभेत। जो लोग देखे होंगे सोना निकालते हुए, स्वर्ण गोल्ड कैसे प्राप्त किया जाता है, तो पहली तो बात है कि कोई जियोलॉजिस्ट होगा भूतत्व बेता, तो वो सोना जहां रहता है उसके ऊपर के जो वृक्ष उगते हैं, चाहे वहां के जो तृण होते हैं और जो जमीन होती है, उसको देख करके वो मिला लेता है, समझता है कि यहां पर सोना है, पहला लक्षण। और इसके बाद खनन करता है, खनन करके और कुछ ऐसे पत्थर उसे मिलते हैं, ज्यादातर मिट्टी पत्थर मिलते हैं, कहीं कहीं कुछ कण चमकते हैं सोना के, तो उसके द्वारा वो देख लेता है कि यहां सोना है। तो फिर दहन द्वारा वो जलाता है, तो उसमें पत्थर मिट्टी वगैरह जल जाते हैं और सोना बचता है। इस तरह सोना का संग्रह किया जाता है। तो जैसे स्वर्णकार हेमकार सोना को प्राप्त करता है खानों से और उसको जलाकर शुद्ध करके और ग्रहण करता है, उसी तरह से कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको समझना चाहिए कि इस शरीर में जो चेतन तत्व है वह है आत्मा। और फिर ज्ञान द्वारा बारंबार इस पर विचार करके और आत्मा के धर्म में, आत्मा के स्वभाव में स्थित होना चाहिए उसे, तो देह के भाव को वो छोड़ देगा, देह से भिन्न आत्मा को समझ सकता है। इसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए है कि भाई मिट्टी है, पत्थर है और सोना है, तो सोना को स्वर्णकार समझ सकता है, लेकिन सोना खुद ही स्वर्णकार हो तो उसको कठिनाई होगी समझना, अपने को अपने से समझना है। परंतु हम लोगों को अपने से अपने को नहीं समझना है, ध्यान रखना चाहिए यहां पर स्वर्णकार जो है वो गुरु या वैष्णव है, वो बताएगा कि आप क्या है, अपने से क्या पता है, किसी को अपने से क्या पता हो सकता है कि हम कौन है, कुछ भी पता नहीं होगा। यहां तक देह का भी पता नहीं होगा कि ये देह कब जन्म लिया, क्या किया, यदि नहीं पूछेंगे तो। एक बार भागवत के श्लोक में एकादश स्कंध में भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने को नहीं जान सकता जब तक उसको कोई बताने वाला ना हो। जैसा श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु से बनारस में मिले तो वे भगवान से कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु से, कि मैं ग्राम्य व्यवहार में पंडित हूं, संसारिक नीति शास्त्र में जानता हूं, लेकिन भक्ति में मैं बिल्कुल अज्ञ हूं, और मुझे यह भी पता नहीं है कि के आमी, आमी के, ये भी मैं नहीं जानता। यदि हमसे पूछे कि आप कौन हैं तो हमको पता नहीं। सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान से, जब ये पूछते हैं कि आप बताइए कि मैं कौन हूं, आमी के ने हमारे जारे पात्र, हमको ये तीनों ताप क्यों जला रहे हैं, क्यों दुख दिया जा रहा है, हमने क्या गलती किया है, हमारा क्या अपराध है कि हमको इस तरह से दुख दिया जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूं दुख लेकिन दुख दिया जा रहा है। यह नहीं जानी के मन हित है, मुझे पता नहीं है कि मेरा हित कैसे होगा, आप बताइए मैं कौन हूं, इस तरह का पागल प्रश्न। अगर आजकल के दुनिया में आदमी सुने तो कहेगा कि कोई क्रेजी पूछ रहा है। हम यहां आए हैं और हम किसी आदमी से कहें कि आप बताइए कि हम किस देश से आए हैं, हमको जानकारी नहीं है, कब आए, क्या जाना है, कहाँ प्रोग्राम है, हमको कुछ पता नहीं है, आप बताइए कि हमारा देश कौन है, हमारा नाम क्या है, तो उसको क्या लोग कहेंगे, वो क्या पता लगाएंगे, उसके पास पासपोर्ट भी ना हो और कहेगा हमको बताइए हम कौन है, कहाँ के हैं,
और कुछ जानता ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे कि मैं कौन हूं ये बताइए, और साध्य साधन तत्व पूछी ते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपने। क्या साध्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है, इसको तो मैं पूछना भी नहीं जानता। तो पूछ तो रहे ही हैं घर में, इसको पूछना भी नहीं जानता हूं कि साध्य क्या है साधन क्या है। आप कृपा करके सब बात अपने से ही बताइए, आप स्वयं कृपालु हैं, कृपा करके बताइए, मुझे पूछने नहीं आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं कौन और मुझे क्यों दुख दिया जा रहा है। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं चैतन्य चरितामृत में कि सनातन केवल आप ही नहीं, जितने भी जीव हैं वे सब कृष्ण के नित्य दास। सनातन गोस्वामी ने ये प्रश्न नहीं किया कि जीव का क्या स्वरूप है, उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूं। इसी के उत्तर में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवे रस स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सभी जीवों का परिचय दे दिया एक प्यार में भगवान ने, कृष्ण और तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जितने जीव हैं सनातन गोस्वामी सभी श्री कृष्ण के सनातन दास, और कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, श्री कृष्ण के साथ उनका भेद भी है अभेद भी है, भेदा भेद प्रकाश। अच्छा ठीक, इतना ही उत्तर दिए और विष्णु पुराण से और ग्रंथों से बहुत से कोटेशन दिए हैं कि जीव क्या है वास्तव में, और इसके बाद उत्तर देते हैं क्यों दुख दिया जा रहा है। तो भगवान उत्तर देते हैं कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। आपको ही केवल दुख नहीं हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में अनंत कोटि जितने जीव हैं सबको दुख हो रहा है, और माया जगत में जो भी दुख है वो कृष्ण की भक्ति नहीं करने कारण दिया जा रहा है। कृष्ण की भक्ति नहीं करने के कारण दुख दिया जा रहा है, जन्म मरण बुढ़ापा आदि जो कुछ भी है, त्रिता से जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से कृष्ण से मुंह फेरा हुआ है, कृष्ण की तरफ उसका मुख नहीं है, बहिर्मुख है, विषयों की तरफ मुख है। अतएव माया तारे दे संसार दुख, इसीलिए माया उसको मार रही है, विविध जुनियों में जन्म दे रही है, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, दैवी है सा गुणमय मम माया दुरक्ते है, वहां पर एक कोट किया गया है गीता से श्लोक। तो मम माया दुरक्ते है, जो भगवान की यह शक्ति है तो उन लोगों को बहुत सताती है जो कृष्ण के भक्त नहीं, और अनादि काल से मार रही है, पीट रही है, जन्म दे रही है। कल एक भक्त पूछे थे कि तू तो क्या नरक दंड होगा जबकि याद ही नहीं है लेकिन वास्तव में एक आश्चर्य है कि अनादि काल से माया जीवों को इस तरह जन्म दे रही है, मार रही है, कर रही है, फिर भी भोगों में ही रहती। ये दंड का कारण है, कहू स्वर्गे उठाए कहू नरके डुबाए, दंड जने राजा जैन नदी पे चुबाए। कभी यही माया शक्ति स्वर्ग में जन्म देती है, कभी नरक में, कहू स्वर्गे उठाए कहू नरके डुबाए, दंड जने राजा जैन नदी पे चुबाए। जैसे पहले ऐसा होता था कोई व्यक्ति अपराध करता था तो राजा के कर्मचारी उसको नदी में ले जाकर डुबाते और गला पकड़ कर जब पानी के अंदर करते थे तो कहता था अरे मरा, अरे मरा, अरे मर गया छोड़ो छोड़ो, तो थोड़ा उठाते थे सांस लेने के लिए, तो कहता था ओहो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बहुत सुखी हूँ बहुत सुखी हूँ, अभी फिर उसको नीचे जाना है, और ऐसे ही डुबाते निकालते मार देते थे। लेकिन जब बहुत सांस फूलती थी और ऊपर आता था सांस लेने का चांस होता था तो कहता था ओ कितना हैप्पी लाइफ है मेरा, कितना सुख है। इसी तरह से आजकल जिन लोगों को थोड़ा धन प्राप्त हो गया है, कोई सुंदर शरीर प्राप्त है, अमेरिका जैसा देश प्राप्त है, तो कहते हैं कितना सुखी है, अरे वाह कितना सुखी है, तो फिर मां के गर्भ में जाना है
और फिर वही दुख लगा हुआ है। दंड जने राजा जिन नदी ते चुबाए, नदी में अपराधी को डुबाते डुबाते राजा के कर्मचारी मार देते थे, लेकिन उसमें देर से मारते थे और जितना देर ऊपर रखते थे उससे कई गुना समय नीचे रखते थे पानी में। इस संसार में देखा जाता है सर्वत्र तापत्र दुखित आत्मा, आदमी अगर विचार करके देखे तो ज्यादातर परसेंटेज जो दुखी है, 100% में तो सुख कितना उसको अनुभव हो रहा है तो शायद 2-3% सुख किसी को होता होगा, हाईएस्ट सुख होता होगा, बाकी तो दुख ही अनुभव करता है जीव। तो माया दुख दे रही है, ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति करनी है अगर पार होना है तो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, जो मेरी शरण लेते हैं वही तरते हैं। तो उस प्रसंग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, जीव भ्रमण कर रहा है भ्रमते भ्रमते पागल हो गया है पिशाची द्वारा, और कहीं साधु वैद्य मिल जाए वैष्णव मिल जाए तो पार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो उस साधु के संग से उसके बातों से उसका ज्ञान दूर हो जाता है, उसका रोग दूर हो जाता है और उसे कृष्ण की भक्ति मिलती है, तब वो कृष्ण के पास चला जाता है, वो सुखी हो जाता है। कंप्लीट उत्तर दिए हैं प्रश्नों का। इस तरह चैतन्य चरितामृत जो है वो कन्वर्सेशन में है कई जगह, उससे वो पूछ रहा है उससे वो पूछ रहा है, बहुत सुंदर संवाद है और मूल चल रहा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का स्टेटमेंट आदि लीला से। इस प्रकार ये द्वादश जो लक्षण बताए गए इसके द्वारा हमें अपना ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति बताता है कि हम कौन, अपने से जीव को ज्ञान नहीं होता है। कोई बच्चा है मान लीजिए अपनी माँ से ना पूछे, अपने पिता के विषय में अपने माँ से ना पूछे, अपने बहन से ना पूछे, बड़े भाई से ना पूछे, और वो न्यू जर्सी से निकल जाए लॉस एंजलिस में पूछने के लिए कि हमारा बाप कौन है, पूछता चले चारों तरफ से, अब किसे पूछे क्या आप हमारे पिता हैं, क्या आप हमारे पिता हैं, और नहीं कंप्यूटर चालू करे कि कौन हमारा बाप है, उसे पता लग जाएगा और उसमें भरा भरा हुआ नहीं रहेगा तो क्या पता लगेगा तो हार जाएगा, पता नहीं लगेगा। और नहीं एकांत रूम में ध्यान करने लगे कि कौन मेरा पिता है जरा इसका पता लगा ले, तो मर जाएगा हजारों साल ध्यान करके, कुछ पता नहीं चलेगा। सुनना पड़ेगा किससे, श्रुति स्मृति पुराण आदि से। श्रुति जो है वो माँ है, स्मृति बहन है बड़ी बहन, और पुराण जो है वो भाई के स्थान पर है, ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु कोट किए। श्रुति ही हमारी माँ है, वही बताते हैं कि हमारा परम पिता परम पुरुष कौन है। एको देव सर्वभूतेषु, एक भगवान है जो समस्त जीवों के हृदय में, उनका पूरा पूरा पता श्रुति बताती है, माँ बताती है। माँ जानती है ना कि हम किसके पुत्र हैं। इस संसार में अगर कोई प्रथम अथॉरिटी है हमारा परिचय देने के लिए, पिता बताने के लिए, तो माँ जानती है कि हमारा पिता कौन है, और कोई जाने या ना जाने। तो इसी तरह से श्रुति माता दिशति पृष्ठा, माता श्रुति है वेद है, और वह बताती है कि परम पुरुष कृष्ण है। वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य, कृष्ण हमारे पिता हैं, हमारे बंधु हैं, सब कुछ हैं, माँ बताती है। तो ऐसे पिता को हम श्रुति द्वारा या पुराण स्मृति द्वारा जान सकते हैं। जैसे लोक में कोई अपने पिता को जानना चाहे तो माँ के द्वारा, बहन के द्वारा और भाई के द्वारा जान सकता है। माँ बहन और भाई मतलब बड़े बड़ी उम्र के जो हैं वो बताएंगे, उनको भी ज्ञान होता है। बड़े भाई को भी ज्ञान होता है कि हमारा छोटा भाई हमारा भाई है, हमारे पिताजी और इसके पिताजी एक, जानता है।
छोटा हो सकता है न जानने। तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं आत्मा का ज्ञान, जीव का स्वरूप, तो पहले शरीर और मन बुद्धि आदि से बाध करके आत्मा का लक्षण बताया जा रहा है। विषय वैसे सुनने में फिलोसफिकल है और हो सकता है जनरल जनता के लिए इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन कथाओं से ज्यादा ये जरूरी है। एक बार हमसे एक व्यक्ति ने कहा, कहीं पर भागवत होने वाला था, तो वो कहा कि महाराज अब क्या कथा कहेंगे। तो मैं पूछा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। कहे दशम स्कंध की सुनाई। वो स्वाभाविक ऐसे कहे दशम स्कंध सुनाई। तो हमने पूछा कि आप प्रथम स्कंध सुने हैं। तो नहीं, अभी तो हम प्रथम बार भागवत सुनने जा रहे हैं। तो हमने कहा तो आप कैसे जान गए कि सुनने लायक दशम स्कंध। तो मैं उनको समझाया कि देखिए दशम स्कंध एक खूब स्वादिष्ट प्रसाद की तरह है और शुरू के जो स्कंध हैं वो बहुत शक्तिशाली औषधि है, मेडिसिन। जो कोई व्यक्ति रोगी है, विषय भोग की अभिलाषा है, तो उसको भोजन खिलाए, मान लीजिए किसी को रोग है, बुखार है और भी है, उसको आप स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे तो खा भी नहीं सकता है और खाया तो फिर पच नहीं सकता और बीमार हो जाएगा। तो उत्तर स्कंध के बाद के स्कंधों की जो कथाएं हैं वो वास्तव में भोजन है, लेकिन शुरू की जो कथाएं वो बहुत शक्तिशाली औषधि है। तो जो रोगी है उसको पहले औषधि देना चाहिए ना, जब रोग खत्म हो जाए तब भोजन परसे खो। तो 90 अध्याय में 90 थाली में भोजन दशम स्कंध का रखा हुआ है। ठीक है, चल कोई बात नहीं, पहले तो प्रारंभिक स्कंधों को सुन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। वैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम एक समान मीठा, कहीं से तोड़िए, जैसे मिश्री की डली है किसी भी तरह से तोड़िए मीठा लगेगी, लेकिन बेटर ये है कि ग्रेजुअल हियरिंग हो, क्रम से उनको सुना है। यह बात उन भक्तों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं जो कि कृष्ण भावना के अनुशीलन में लगे हुए हैं, जप करते हैं, बहुत काल से सुन रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नियोफाइट जनता है तो उसे भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक स्कंधों को ही सुनना चाहिए, सुनते सुनते वो समझ जाएगा। अब देखिए सातवें स्कंध में प्रहलाद महाराज का उपदेश दिया गया है, ये बहुत जरूरी है ना। इसको कहा कि नहीं इसको छोड़िए, तो अब शुष्क लग रहा है, अब सीधे चलिए दशम स्कंध चाहिए। ये तो कोई विवेक नहीं हुआ। क्या प्रहलाद महाराज उतने बड़े भक्त नहीं थे कि जो ये बात कर रहे हैं। और तो छोड़िए परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज इतना धैर्य रह करके 9 स्कंध सुने, कितनी बड़ी बात थी। 9 स्कंध में कितने अध्याय होंगे, दशम स्कंध में 90 और 31, कितना हुए 121 और 13, 134, 201 अध्याय 9वें स्कंध तक है, 335 अध्याय श्रीमद् भागवत में है। तो दशम स्कंध 90 अध्याय, 11वां स्कंध 31 अध्याय और 12वां स्कंध 13 अध्याय और बाकी 201 अध्याय ये इधर के 9 स्कंध तक, इतना वे सुने। क्या परीक्षित महाराज से हम ऊंचे भक्त हो गए, बताइए। तो सोचने की बात है, जिसको अब मरना है 7 दिन के अंदर, वह व्यक्ति भगवान की इन लीलाओं को सुन रहा है। ये सब सुनने से बहुत असर हुआ। केवल 3 अध्याय कथा द्वितीय स्कंध की महाराज ने सुना तो कहते हैं कि हमारा सारा ज्ञान मिट गया। सुखदेव जी से पुत्र में, धन में, राज्य में जो मेरी आसक्ति थी सब चली गई, और फिर कहते हैं कि आप ऐसी कथा कहिए कि देह से मेरी आसक्ति चली जाए। और जब सुखदेव गोस्वामी कथा कहते हैं तो और
चार अध्याय कहे तो उसके बाद वे कहते हैं कि अब देह में से मेरी आसक्ति पूरी चली गई। द्वितीय स्कंद पूरा होते होते और फिर पूछते हैं भगवान ने कैसे सृष्टि किया, कैसे जगत का विस्तार किया, कैसे जीवों को उत्पन्न किया, मैं भगवान की महिमा सुनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। हम लोगों के मन में तो बात भरी हुई है, मेरा है, ये तुम्हारा है, ये है, वो है, ये नहीं जानते, नहीं सब कुछ कृष्ण का है, वो सृष्टि किए हैं। सृजति अवति हंति, भागवत में कई बार ये श्लोक आया है, भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान प्रलय करते हैं, वो पालन करते हैं, लेकिन हम लोगों के मन में बसा हुआ है हम उत्पन्न कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम भोगता हैं, है ना। तो हमारे इस मान्यता पर बारंबार कुठाराघात किया गया है, अटैक किया गया, नहीं तुम नहीं, तुम कुछ नहीं हो, तुम एक दीनहीन जीव हो, भगवान सब कुछ है, वो जगत के स्वामी है, वो पैदा किए हैं। इन सब भावनाओं की, इन सब विचारों की आवृत्ति बार बार की गई, इसलिए इसे सुनना चाहिए। ऐसे मैं देर कर रहा हूं, कल मैं बहुत रफ्तार से भागा था, आज ठहर करके कह रहा हूं केवल आप लोगों को एक दिग्दर्शन कराने के लिए कि आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए और प्रेस कीजिए। इसके लिए मैं ज्यादा यहां रुका, ऐसे समय हो गया है, स्वतः मैं बंद करता हूं, फिर 4:30 बजे मिलेंगे। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, ज्योतिर्मय है, वह नित्य प्रकाशित वस्तु है, चेतन वस्तु है, लेकिन वर्तमान समय में तो वो उसका प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा है। ज्योतिर्मय है वो, भगवान विभू ज्योति है, यह अणु ज्योति है। ज्योतिर्मय का यह अर्थ नहीं कि यह सूर्य की तरह पूरा विश्व को प्रकाशित कर देगा, छोटा सा लाइट, बहुत माइन्यूट लाइट, लेकिन है ज्योतिर्मय। आत्मा को शरीर का जरूरी नहीं है, तो ऐसे देखा जाए भौतिक इसमें भी कई ऐसे आत्मा है उसको शरीर भी नहीं है, तो फिर भी ये तो शरीर करने के लिए आत्मा को प्राकृत देह की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही एक स्वरूप है वास्तव में, लेकिन उसका स्वरूप जब तक डेवलप नहीं है तब तक उसे भौतिक शरीर की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक जगत में है इसीलिए भौतिक वातावरण अनुकूल उसे चाहिए, एक शरीर चाहिए, लेकिन वह शरीर चाहिए तो उस शरीर को जिलाता है वही बढ़ाता है, उसको भीतर डालने के बाद ही शरीर बढ़ना चालू होता है। तो तत्वतः वास्तव में आत्मा कोई शरीर की आवश्यकता नहीं, लेकिन चूंकि मायावाद दशा में है इसलिए शरीर चाहिए, भगवान को समझने के लिए भी शरीर चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअली काम कर नहीं सकता है। मैटेरियल जगत में है तो मैटेरियल बेसिस पर ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सुंदर कार है, बहुत तेज रफ्तार